जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इतिहास। इतिहास की आपकी क्लास 12 तक मैं आपको करा चुकी हूँ। आज आपकी क्लास 13 होने वाली है। क्लास 13 में मैं आपको बताऊंगी किसके बारे में। अभी आप सोच रहे होंगे, दीदी हम थंबनेल में तो समझ गए हैं कि आप सातवाहन वंश पढ़ाने वाली है, लेकिन मैं आपको बता दूं, सातवाहन वंश पढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम अशोक के बारे में पढ़ लेते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको अशोक के बारे में पढ़ाया था, सिकंदर और मौर्य काल के बारे में पढ़ाया था, तो थोड़ा सा अशोक के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश के बारे में। तो साथियों, अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख, सबसे बड़ा जो शिलालेख है वो कौन सा है? 13वां शिलालेख है। इसी शिलालेख में कलिंग का युद्ध हुआ था, ठीक है। सबसे छोटा अभिलेख रुमनदेई अभिलेख है। अगले पॉइंट की बात करें, गुफाओं का निर्माण करवाया, किसने करवाया, कहां कहां करवाया? तो देखो, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी, चोपार, कर्ज, इन सब का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं द्वारा कराया गया, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कहां कराया? मध्य प्रदेश में कराया। अशोक के बाद कौन कौन उत्तराधिकारी रहे, मतलब के किस किस ने शासन किया था? अशोक के पुत्र कुणाल ने अशोक के बाद शासन किया, कुणाल के बाद संप्रीति ने शासन किया, फिर उसके बाद शालिशुक ने शासन किया, उसके बाद देव बर्मन ने शासन किया, और मौर्य वंश के अंतिम शासक की बात की जाए तो बृहद्रथ था मौर्य वंश का अंतिम शासक, ठीक है। साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, आपका मौर्य काल पूरा फिनिश हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी जस्ट कि मौर्य काल का जो अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था, ठीक है। अब बात करते हैं शुंग वंश की। शुंग वंश का शासन काल 185 बीसी से 73 बीसी तक चला। साथियों, अब बात करते हैं शुंग वंश की स्थापना हुई होगी, बिल्कुल हुई थी। इसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ही शुंग वंश का संस्थापक था और इसी ने मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या की थी। अब पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल कब से कब तक रहा? 185 बीसी से 149 बीसी तक पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल रहा था। ये ब्राह्मण साम्राज्य से संबंधित था शुंग वंश, ठीक है। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग की राजधानी क्या थी? विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। शुंग वंश की राजभाषा संस्कृत थी। शुंग वंश ने अशोक के 84,000, मतलब के पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया, ठीक है। अगला पॉइंट आता है, यवनों का आक्रमण किस काल में हुआ? तो शुंग काल में यवनों का आक्रमण हुआ। कौन सा यूनानी था जिसने आक्रमण किया? ये था डेमेट्रियस। कौन था? डेमेट्रियस। अब बात करते हैं कि 84,000 स्तूप तो इसने तुड़वा दिए, किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। इसने एक स्तूप का निर्माण कराया था जिसका नाम था बरहूत स्तूप। इसका निर्माण इसने खुद ही कराया। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, इसके काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। किस काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है? तो ये है शुंग काल। साथियों, अगला पॉइंट है आपका, इसके दरबार में, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि रहते थे। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, योग दर्शन से संबंधित है ये, ठीक है। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? योग शास्त्र। योग शास्त्र के साथ इन्होंने महाभाष्य भी लिखा, ठीक है। अब महाभाष्य किससे संबंधित है? पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी से संबंधित है महाभाष्य,
ठीक है साथियों, आपका अगला पॉइंट कह रहा है पतंजलि के बारे में है। ठीक है, पतंजलि ने दो अश्वमेध यज्ञ कराए, किसके लिए? पुष्यमित्र शुंग के लिए दो अश्वमेध यज्ञ कराए। अगला पॉइंट, पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी, इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो देख लो, अग्निमित्र बैठा, अग्निमित्र के बाद बशु ज्येष्ठ बैठा, फिर उसके बाद बशुमित्र, उसके बाद देव भूति, जो कि शुंग वंश का अंतिम शासक था। अग्निमित्र के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए, यहाँ पर युद्ध देखने को मिलता है, विदर्भ युद्ध। पेपर में प्रश्न पूछा जाता है विदर्भ युद्ध किन किन के बीच हुआ, तो ये युद्ध यज्ञसेन और अग्निमित्र के बीच हुआ था। ठीक है, कहा जाता है यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका और अग्निमित्र, इनका प्रेम संबंध था, तो इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई मालविकाग्नि मित्रम। ठीक है, तो ये किसने लिखी? कालिदास ने। ठीक है साथियों, अब बात आती है अगले पॉइंट की। अग्निमित्र ने कलिंग के विरुद्ध अभियान किया। ठीक है, उस समय चेदी वंश को ही कलचुरी वंश कहते हैं। उस समय किसका शासक था? चेदी वंश का शासक था। उस समय चेदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये महामेघ वाहन चेदी वंश के या कलचुरी वंश के संस्थापक थे, जब अग्निमित्र ने कलिंग युद्ध के विरुद्ध अभियान किया था तब। ठीक है, चेदी वंश का प्रतापा शासक बोला जाता है खारवेल को। किसको बोला जाता है? खारवेल को। साथियों, आपका अगला पॉइंट है, खारवेल ने हाथी गुंफा अभिलेख जारी कराया। कहाँ जारी कराया? ओडिशा में। किस भाषा में ये अभिलेख था? प्राकृत भाषा में आपका खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख था। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इस अभिलेख में, हाथी गुंफा अभिलेख में, कलिंग प्रशासन के बारे में बताया है। भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? हाथी गुंफा अभिलेख में मिलता है। या हम बोल सकते हैं किस शब्द में प्रयोग किया गया है भारतवर्ष का प्रयोग या उल्लेख, तो आप बोलोगे हाथी गुंफा अभिलेख में इसका प्रयोग किया गया है। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे बोला था, शुंग वंश का जो शासन काल था 185 BC से 73 BC तक था। अब हम पढ़ेंगे कर्ण वंश। ठीक है, बहुत छोटा है, 73 BC से 30 BC तक ये चला था। कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव था, इसका अंतिम शासक सुसरमन था। ठीक है, कर्ण वंश की दो राजधानियां थी, पाटलिपुत्र और विदिशा। ठीक है साथियों, अब हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश। फाइनली आपका सातवाहन वंश आ चुका है, तो देख लो, सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन वंश कहते हैं, मतलब कि अंधा। आंध्र का मतलब अंधा, क्योंकि कुछ राजाओं ने शासन किया था इस वंश में। जैसा कि मैं आपको बता दूं, 300 वर्षों तक इसका शासन काल चला था। मतलब कि जिन राजाओं ने शासन किया था उनके बारे में इतिहास में पता ही नहीं है, बताया ही नहीं है। इस वजह से सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन वंश भी बोला जाता है। तो सातवाहन वंश का शासन कब तक चला? 300 वर्षों तक। ठीक है, सातवाहन वंश की भाषा प्राकृत थी, धर्म कौन सा था? ब्राह्मण था। सातवाहन वंश की राजधानी के बारे में अभी पढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, सातवाहन वंश के संस्थापक थे शिमुक। शिमुक ने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुसरमन की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। शिमुक ने राजधानी बनाया प्रतिष्ठान को, प्रतिष्ठान को ही पैठान बोला जाता था। ठीक है, ये कहां पर थी? दक्षिणी महाराष्ट्र में। ये राजधानी कहां पर थी? दक्षिणी महाराष्ट्र में। किस नदी के तट पर? गोदावरी नदी के तट पर। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, सातवाहन वंश के बारे में जानकारी किन अभिलेखों से मिलती है? नागनिका अभिलेख से मिलती है, नासिक अभिलेख से मिलती है, हाथी गुंफा अभिलेख से। इन तीनों अभिलेखों से सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। साथियों, सिमुक के बाद कौन बना था शासक? सिमुक के बाद बना था सातकर्णी प्रथम। ठीक है,
सातकर्णी प्रथम को उपाधि मिली थी दक्षिणा पथपति की, दक्षिणा पथपति वाली उपाधि को ही प्रतिष्ठान पति बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, सातकर्णी प्रथम ने दो अश्वमेध यज्ञ कराए और एक राजसूय यज्ञ कराया। ठीक है, प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है, बताइए एक राजसूय यज्ञ किसने कराया, तो आप बोलोगे सातकर्णी प्रथम ने कराया, जो कि शातवाहन वंश का शासक बना था। किसके बाद? सिमुक के बाद। ठीक है, सातवाहन वंश में इसने अपनी राजधानी क्या बनाई, सातकर्णी प्रथम ने अपनी राजधानी अमरावती को बनाया था। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया, शातवाहन वंश का पहला शासक शिमुक था, जिसने कर्ण वंश के अंतिम शासक की हत्या करकर सातवाहन वंश की स्थापना की। बात करें सातवाहन वंश का दूसरा शासक कौन था, तो आप बोलोगे सातकर्णी प्रथम था, जिसका अन्य नाम था एल्डर सेरागोन। ठीक है, एल्डर सेरागोन की पुस्तक का नाम था पेरिप्लस ऑफ द एरिशियन सी, ये इसकी पुस्तक है, सातकर्णी प्रथम की पुस्तक। इसमें किसके बारे में बताया गया है, यूनान और मौर्य साम्राज्य के आपस में जो व्यापार चलते हैं ना, उसके बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। अब बात करें, सातकर्णी प्रथम ने भूमिदान की प्रथा प्रारंभ की। ठीक है, ये भूमिदान किसको देता था, ब्राह्मणों को देता था भूमिदान। कौन? सातकर्णी प्रथम। ठीक है ना, भूमिदान की जो जानकारी मिलती है वो किस अभिलेख से मिलती है, नाना घाट के अभिलेख से। ये अभिलेख सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका ने लिखा था, नागनिका ने जारी किया था। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सातकर्णी प्रथम के बाद जो अगला आपका शासन बना वो बना था हाल। कौन बना था? हाल। सातवाहन वंश का पहला शासक शिमुक, दूसरा सातकर्णी प्रथम, तीसरा हाल। ठीक है, हाल संस्कृत का विद्वान माना जाता है, सातवाहन वंश में संस्कृत का विद्वान कौन सा शासक था, तो हाल था। ठीक है, गाथा सप्तशती की रचना किसने की, हाल ने की, किस भाषा में, प्राकृत भाषा में। जैसा कि साथियों मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, अंधकार वंश या अंधा वंश सातवाहन वंश को बोला जाता है, लेकिन ये वंश अंधकार वंश किसने बोला, अंधकार युग को ही सातवाहन वंश बोला गया है हाल के द्वारा। ठीक है, इसके शासन काल में दो विद्वान थे, कौन कौन थे, सर्व बर्मन और गुडाठ है। ठीक है, सर्व बर्मन की पुस्तक तांत्रक थी और गुडाठ है की पुस्तक बृहत कथा थी। अब बात करते हैं बृहत कथा, इसी के आधार पर पंचतंत्र पुस्तक लिखी गई। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, हाल के बाद शासक किया, शासन किया गौतमी सातकर्णी ने, जो कि 23वां शासक था। ठीक है, सातवाहन वंश का पुनर्स्थापन किसको बोला जाता है, गौतमी सातकर्णी को बोला जाता है। इसको उपाधियां मिली, इसको उपाधियां अद्वितीय ब्राह्मण की दी गई, एका ब्राह्मण की उपाधि दी गई, त्रिसमुद्री पति की उपाधि दी गई, बैडकटक स्वामी की उपाधि गौतमी सातकर्णी को दी गई। अब बात करते हैं कि मतलब के शातवाहन वंश में क्या महिलाओं ने भी शासन किया, हाँ किया था, लेकिन स्पेशल शासन नहीं किया, अपने बेटे के साथ बलश्री ने शासन किया था। ठीक है, संयुक्त रूप से अपने पुत्र के साथ संयुक्त रूप से शासिका कौन रही है, बलश्री। बलश्री गौतमी सातकर्णी की माता थी। ठीक है, नाशिका अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। साथियों, गौतमी सातकर्णी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, गौतमी सातकर्णी के समय, अब जैसा कि इनकी माता जी ने भी मिलकर इनके साथ समाज को चलाया था, शासिका रही थी, कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि यहाँ पर समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक था या पितृ सत्तात्मक था, तो यहाँ पर समाज पितृ सत्तात्मक था।
ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। गौतमी सातकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया था, ठीक है। गौतमी सातकर्णी के बाद कौन सा शासक आया? वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, ठीक है, याद रखना ये वशिष्ठी का पुत्र था सातकर्णी, इसको हम पुलवामी नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखो रुद्र दामन ने किसको हराया? वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी को हराया। रुद्र दामन की एक पुत्री थी, उसका विवाह वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी के साथ कर दिया, ठीक है। अब देखो वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी और रुद्र दामन की पुत्री का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था शिव श्री, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अगला शासक आता है यज्ञ श्री सातकर्णी, ठीक है। अब इसने किस तरीके से सिक्के चलवाए वो भी हमको पता होना चाहिए। जलयान के चित्र वाले सिक्के किसने चलवाए? यज्ञ श्री सातकर्णी ने जलयान के चित्र वाले सिक्के चलवाए। सातवाहन वंश का अंतिम शासक विजय था, ठीक है। सातवाहन वंश आपका पूरा फिनिश हो चुका है, 2 पॉइंट्स और हैं, इनको जान लीजिए। सात वाहनों ने शीशे के सिक्के जारी किए। किसके सिक्के जारी किए? शीशे के सिक्के जारी किए जिसमें 500 ग्रेन थे, प्रोटीन थी एवं तांबे के सिक्के थे। अगला पॉइंट है सातवाहन वंश के शासक सर्वाधिक व्यापार किस बंदरगाह से करते थे? कल्याण नामक बंदरगाह से ये सबसे ज्यादा व्यापार करते थे। साथियों आपका सातवाहन वंश मैंने आज पूरा फिनिश करा दिया, ठीक है। कल मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। और ये जो क्लास मैंने आज आपकी कराई है ना, इसको आज रात 8 बजे लाइव सेशन में पूछूंगी। और सर की क्लास आ रही है हिंदी की दोपहर 2 बजे, सभी तैयार रहिएगा, सर की क्लास को भी लाइव सेशन में आपसे पूछूंगी, ठीक है। साथियों सभी को बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।